ओम रब्यो नमो गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम श्री श्री नारायणाय नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल। आज 22 मार्च 2023 और दिन बुधवार। प्रतिपदा चैत्र शुक्ल और आज सूर्योदय 6:23 AM, सूर्यास्त 6:33 PM। आज चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में गोचर करेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है और आज का राहु काल 12:28 PM से 1:59 PM। आज का चंद्रबल वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और मीन में रहेगा और आज का नक्षत्र बल अश्विनी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा उत्तरा फाल्गुनि चित्रा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों में आज बल रहेगा। चाहे राशि फल कुछ भी हो, नक्षत्र बल ज्यादा होना और ऊर्जाओं पे ज्यादा होना आज कर्म सफलता और शारीरिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा ये सारे इन नक्षत्रों को टॉप मोस्ट मिलने वाले हैं, उत्तम है। और आज क्योंकि उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, चंद्रमा यहाँ पर आगे राहु पीछे शनि और बीच में गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ एक पापकर्तर योग के अंदर यहाँ एक प्रकार का मिक्स कॉम्बिनेशन मिक्सचर देने वाला कालपुरुष कुंडली के द्वादश स्थित राशि मीन राशि में चंद्रमा का यह गोचर यूनिवर्सल लेवल पे कुछ ना कुछ आज आपका खर्चा बढ़ सकता है यूनिवर्सली। और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रतिपद है और सूर्य से ज्यादा दूर नहीं है तो मेंटेलिटी में कुछ नेगेटिविटी आ सकता है, नहीं करने का, नहीं बनने का, कुछ रोग हो जाने का, इस प्रकार के अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ थॉट्स बिल्डअप हो सकते हैं। आज मेष राशि के लिए द्वादश चंद्रमा है, ना चाहते हुए भी कई सारे खर्चा कर लेंगे। कुछ तनाव धनात्मक मन रहेगा और ये कार्मिक रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेंगे। यात्राओं में थोड़ा सा परेशानी का संभावना है। वृष राशि के लिए दशम चंद्रमा है, कार्य सिद्धि, एकादश चंद्रमा वृष के लिए है तो हर प्रकार के कार्य सिद्धि सफलता और कार्मिक रिजल्ट यहाँ पर टॉप 80 से 90% भी मिल जाए। लेकिन यहाँ चंद्रमा पापकर्तरी में और एकादश स्थान लाभ स्थान पापकर्तरी में, फिर भी कुछ मिलेगा जरूर, अच्छा है। मिथुन के लिए दशम चंद्रमा रुके हुए काम को होना और आज रुके हुए धन कहीं से हो तो प्राप्ति होना, लेकिन उतना इफेक्टिव भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ भी एक पापकर्तरिक एनर्जी यहाँ पर फॉलो अप कर रहा है तो इधर बहुत ज्यादा सफलता का विषय नहीं है, लेकिन काम होगा। कर्क राशि के लिए ये नवम चंद्रमा है, थोड़ा सा वीकनेस टाइप, लेजी टाइप, रोगात्मक टाइप मन बन सकता है, शरीर बन सकता है, लेकिन फिर भी काम खुलने का संभावना यहाँ बढ़िया दिख रहा है। वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अपने को अगर संभाल सकें, कंट्रोल कर सकें ऊर्जा को तो ये अत्यंत उत्तम फल देगा। सिंह राशि के लिए ये अष्टम चंद्रमा मानसिक तनाव पीड़ा और बाधाएं, कर्म में बाधाएं, यहाँ 25% का कार्मिक रिजल्ट मिल गया तो बहुत है। कन्या के लिए ये सप्तम चंद्रमा रहेगा, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट मजा मस्ती बेस्ट गुड और सफलता भी देने वाला और रेस्ट टाइप मूड रहेगा। यहाँ ऊर्जा बहुत टॉप और करीब करीब 60-70% तक का बढ़िया रहेगा। तुला के लिए षष्ठ चंद्रमा रहेगा, आरोग्य बल वृद्धि प्रदायक सफलता और कार्मिक रिजल्ट भी यहाँ करीब करीब आपको 70-80% तक आज मिल रहा है। वृश्चिक के लिए ये पंचम चंद्रमा
थोड़ा सा बुड़बकी और गधापंती हो सकता है, उतना ज्यादा रिजल्ट आज नहीं मिलने वाला है, लेकिन 45-50 ठीक है। धनु के लिए ये चतुर्थ चंद्रमा थोड़ा सा भय और अहेतुक भय भी यहाँ मिलेगा और थोड़ा सा बंधन टाइप मानसिकता बनेगा, कोई बहुत ज्यादा उछल के आप क्रिएटिव थॉट पे नहीं जा सकते हो। कार्मिक रिजल्ट तनावपूर्ण रह सकता है, 30-40% तक से ज्यादा नहीं जा सकते। मकर राशि के लिए तृतीय चंद्रमा बल बुद्धि और पुष्टता और पराक्रम में वृद्धि और कार्य सफलता में 70-80% दिन आपका है एकदम लौट सकते हैं और कार्मिक सफलता यहाँ टॉप में है। बस आपका हेतु क्लियरेंस हो जाना चाहिए, अर्थात चलिए वो सब लंबा हो जाएगा। बात करते हैं कुंभ के लिए द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार के स्थिति में कुछ ना कुछ हानि और बहुत थोड़ा सा चटर पटर हो सकता है, संभाल लेंगे तो अच्छा चलेगा। कार्मिक रिजल्ट 70% मिलेगा जरूर, लेकिन शनि के अवसाद जनित 7.5 जनित एनर्जी अगर आपसे कंट्रोल है सफल हो आज। मीन के लिए लग्न के ऊपर चंद्रमा जरूर एनर्जेटिक, मजा मस्ती, क्रिएटिव आइडियाज, बट पॉजिटिव आइडियाज बहुत आएंगे ये नहीं दिख रहा है यहाँ। कार्मिक रिजल्ट यहाँ पर टॉप रहेगा, लेकिन यहाँ ये चार चार ग्रहों का प्रेशर मीन वाले अगर रजिस्टर कर लेंगे तो आपके लिए आज का दिन गुड रहेगा। टारगेट नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और ये नेचुरली इस नक्षत्र को ये हमारे जो नक्षत्र मंडल है उसमें आखिरी से पहला नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती आखिरी नक्षत्र में गोचर करेंगे चंद्रमा। तो हम लोग आज का नक्षत्र फल को देख लेते हैं शनि का नक्षत्र में। तो अश्लेषा और श्लेषा नक्षत्र मीन राशि और मघा नक्षत्र धनु सिंह राशि, मूल नक्षत्र धनु राशि, आपके लिए ये जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारे साधक बाधक मित्र तारा प्यार है, वेरी गुड, गो गो। भरणी भरणी मेष और पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धन, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारे साधक बद्ध तारा में आ रहा है। पांचों सेफ्टी जरूर मेंटेन करें ना, उतना ज्यादा बढ़िया आज एनर्जी नहीं मिलेगा। कृतिका नक्षत्र मेष और वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह और कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु और मकर, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक सिद्ध जोन पे है, सफलता है, गुड गुड। रोहिणी में रोहिणी वृष, हस्ता कन्या, श्रवणा मकरू, आपके लिए आज का दिन जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, तो 50-50 है आज के लिए, लेकिन धन प्राप्ति हेतु धन प्राप्ति का भी संभावना रहता है, भले 5 पैसा भी हो लेकिन मिलता है। मृगसिंह नक्षत्र धन मतलब केवल पैसा नहीं समझना है, बाकी बहुत सारे है, गोधन भूधन जनधन धनाधन ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा उसके बाद बात करते हैं मृगशिरा वृष और मिथुन और चित्रा कन्या और तुला, धनिष्ठा मकर घोरपुन, तो जन्म संपद विपद क्षमा तारा, गो गो बेस्ट, एकदम सॉलिड डेज इन इंटरनल एनर्जी। आतरा मिथुन, स्वाति तुला, सतभिषा कुंभ, तो आज आपके लिए जन्म संपद विपद डेंजर जोन पे है, सावधान रहना चाहिए। पांचों सेफ्टी को मेंटेन करते हुए पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ मिथुन और कर्क और विशाखा कन्या और तुला और उसके बाद पूर्व भाद्रपद कुंभ और मीन, तो आपके लिए जन्म संपद गुड है, बहुत अच्छा, गो गो। पुष्या कर्क और अनुराधा अभिषेक, उत्तर भाद्रपद मीन, 70% गुड, 30% ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगा। अश्लेषा कर्क केतु, उसके बाद ज्येष्ठा वृश्चिक और रेवती मीन, ये अति मित्र जन पे रहेगा। तो ये था आज का राशिफल और नक्षत्र फल। माता रानी का आज से आप घट स्थापना जरूर करें और माता रानी का नवरात्रि का दीप प्रज्वलन अगर जो जितना शक्ति और क्षमता है उतना करें, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत करें, लेकिन जितना क्षमता है इतना भी माँ को माँ बोल लो, बड़े से बड़े समस्याएं निपट जाते हैं, बड़े से बड़े जीवन पे समाधान मिल जाते हैं और माता रानी का कृपा बरसता है।
आज तक मैं एक भी ऐसा नवरात्र नहीं देखा जिसमें हम लोग नवरात्र किए हों और फल नहीं मिला। और सब कोई नवरात्र कर नहीं सकते, जिसके भाग्य में रहता है वही लोग करते हैं। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि नवरात्र करिए। अपने अपने लेवल पे बहुत वीडियो दिया हूं मैं, इसके आगे और एक वीडियो दे दूंगा। और इसको करने से भाग्य खुलते। इसका अगला वीडियो 5-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं, देख लीजिएगा। नवरात्र के लिए आप सबको कुछ अगर आइडिया मिल जाए, भरोसा मिल जाए तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता रानी।